सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो वो भी अपने एलाइट मोशन में, जो कि काफ़ी इजी है। आप जस्ट ये वन या टू स्टेप में से की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना है। तो यह बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस इसके साथ पहले आपने ऐसा अपने लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। तो मैं ऐसा अपने लाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ एंड नीचे आपको एक प्लस मिलेगा तो आपने इस प्लस पे एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने रेशियो अपने हिसाब से रखना है। तो मैं ऐसे 9:16 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोजेक्ट, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको नीचे एक प्लस मिलेगा तो आपने इस प्लस पे एक बार टाइप कर देना है एंड यहाँ से जो सेकंड नंबर पर है मीडिया, तो आपको मीडिया पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपकी गैलरी का सारा वीडियो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। सो यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे अपने वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा वीडियो, अभी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ, सिंपल सा वीडियो है। तो सबसे पहले अभी आप स्टार्टिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में आने के बाद नीचे आपको प्लस पे एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। सो उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कलर एंड फिल, ताको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से बैक कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पर मिलेगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिफरेंस, तो ये रहा डिफरेंस, तो आपको डिफरेंस पे क्लिक कर देना है एंड थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा सब्ट्रैक्ट, तो आपको सब्ट्रैक्ट पर एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से एक बार बैक कर देना है। सो आपको मिलेगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एफेक्ट्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने एड एफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड आपको ऊपर सर्च बार पर सर्च करना है कॉपी। सो गाइस यहाँ पर आप कॉपी लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड, तो आपको कॉपी बैकग्राउंड को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। सो उसके बाद आपको फिर से यहाँ से ऐड एफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने सर्च करना है गॉसियन ब्लर। सो गाइस यहाँ पर आप GAU सर्च करते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा गॉसियन ब्लर, तो आपका गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड आपको फिर से नीचे ऐड एफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने सर्च करना है एक्सपोजर गामा। सो यहाँ पर आप EX लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर ही मिलेगा एक्सपोजर गामा, तो ये रहा, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको भी यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर जो गॉसियन ब्लर है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इसका अमाउंट को ऐसे बढ़ा देना है। आई थिंक यहाँ पर आप इसको 300 कर दें एंड आपको इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है एंड नीचे आपको एक्सपोजर गामा पर एक बार क्लिक कर देना है एंड सबसे पहले यहाँ से एक्सपोजर को यहाँ से माइनस कर देना है। आई थिंक -33 सही है यहाँ पर, तो मैं करता हूँ आई थिंक इतना सही है एंड नीचे आपको गामा पर एक बार क्लिक कर देना है एंड गामा को ऐसे माइनस कर देना -0.900, सो आई थिंक इतना सही है एंड नीचे आपको मिलेगा ऑफसेट, तो आपको ऑफसेट पर क्लिक कर देना एंड ऑफसेट को ऐसे कर देना -0.08, सो आई थिंक इतना सही है एंड आपको स्क्रीन पर एक बार टाइप कर देना है। सो इसके बाद आपको नीचे अपने वीडियो पर एक बार क्लिक कर देना है, वही वीडियो क्लियर पर एंड नीचे आपको एफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से ऐड एफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है चैनल। सो गाइस यहाँ पर आप CHA लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा चैनल रिमैप RGB, तो ये रहा, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसको भी यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। सो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर RGBA, तो थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा B, तो ये रहा B, तो आपको B से हटा कर आपने यहाँ से G कर देना है एंड आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन पर एक बार टाइप कर देना है एंड आपको यहाँ फिर से नीचे जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको आपने ऐसे फिल से फुल स्क्रीन कर देना अपने एंड यहाँ से कलर एंड फिल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से बैक कर देना है। सो इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा थर्ड नंबर पर कॉन्ट्रास्ट, तो ये रहा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड सबसे पहले आपको मिलेगा ओवरले, तो आपको ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है एंड ऐसा आपने इसको अमाउंट को अपने हिसाब से रखना है जितना आप रखना चाहते हो। सो मैं ऐसे आई थिंक 100 ही रख देता हूँ एंड स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर HDR इफेक्ट लग चुका है। सो इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जाना है एंड वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आप इन तीनों लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको नीचे एक ऑप्शन देगा, तो ये रहा, इसको आप एक बार क्लिक कर देना है। सो यहाँ से आपकी पूरे वीडियो पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सो उसके बाद आपको इन तीनों को यहाँ से अनटिक कर देना है। सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर HDR इफेक्ट लग चुका है।
तो इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस एरो पर एक बार क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से नीचे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट एक बार क्लिक कर देना है। सो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। सो गाइस आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में।